रशिया यूक्रेन विवाद के बीच रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा करके न सिर्फ अमेरिका, यूक्रेन और नाटो देशों को बल्कि पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। अभी तक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावारोव और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री सबके सब कह रहे थे कि यूक्रेन मसले को डिप्लोमेटिक रास्ते से नेगोशिएशंस के जरिए सुलझाने के लिए रशिया पूरी तरह से रेडी है। लेकिन अब रशिया अपनी बात से ही उल्टा एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी कुछ ही घंटे पहले घोषणा की है कि रशिया 19 फरवरी यानी कल नई मिलिट्री डील्स की शुरुआत करने जा रहा है। ये वाली मिलिट्री डील्स कोई आम मिलिट्री डील्स नहीं होने वाली है जो रशिया इतने सारे दिनों से लगातार यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर कर रहा था, बल्कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि कल होने वाली मिलिट्री ड्रिल्स में रशिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के पर्सनल हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल होने वाली स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ड्रिल्स में एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को निशाना बनाने वाली बेहद लार्ज रेंज की इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ड्रिल्स बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इनको रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप में परफॉर्म किया जाएगा, जो रशियन फेडरेशन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम लीडर भी हैं। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि कल उनकी नॉर्दर्न फ्लीट की एक सबमरीन रशिया के फार ईस्ट रीजन की तरफ एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेगी, जबकि उनकी पैसिफिक फ्लीट की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जाएगी जो नॉर्दर्न रशिया के चीजा रीजन में जाकर टारगेट को नष्ट करेगी। सबमरीन से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के साथ साथ रशिया की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स नाम की डिवीजन भी लैंड पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च करेगी। इसके साथ ही इस मिलिट्री ड्रिल्स में रशिया की एयर स्पेस फोर्स के लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट भी हिस्सा लेंगे जो कई सारी क्रूज मिसाइल्स फायर करके दिखाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रशिया जिस तरह का लार्ज स्केल के ऊपर स्ट्रेटेजिक युद्ध अभ्यास करने वाला है, ये यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका और अमेरिका का समर्थन करने वाले नाटो और यूरोप के बाकी देशों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है, ताकि ये दिखाया जा सके कि अगर ये देश रशिया की सिक्योरिटी डिमांड्स नहीं मानते हैं तो फिर युद्ध यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है, और अगर नाटो देश यूक्रेन की मदद करते रहे, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहे, तो फिर वो देश भी रशिया के निशाने के ऊपर होंगे। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के कुछ देश अभी भी दावा कर रहे हैं कि रशिया अपनी मिलिट्री ड्रिल्स की आड़ में कब यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा, बाकी दुनिया को तो पता भी नहीं चलेगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कोई आम छोटी मोटी मिसाइल्स नहीं होती हैं, इसलिए इनको फायर करना कोई आम बात नहीं है। रशिया यूक्रेन के साथ चलते तनाव के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके साफ तौर पर अपना दबदबा दिखाना चाहता है। साथ में गौर करने वाली ये भी बात है कि ये सारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा रही हैं। इसके साथ ही पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन रशिया के मुद्दे के ऊपर फिर से डिस्कशन हुई थी और भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन टीएस तिरुमूर्ति साहब ने एक बार फिर भारत की तरफ से कहा कि भारत का इंटरेस्ट एक ऐसा समाधान ढूंढने में है जो रीजन के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखते हुए लॉन्ग टर्म पीस अचीव करने के लिए तनाव को तत्काल कम करे और उसमें सभी देशों के लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों का ध्यान रखा जाए। रशिया ने भारत की स्टेटमेंट को लेकर और भारत ने जो भी यूनाइटेड नेशंस में कहा उसको लेकर भारत को धन्यवाद यानी थैंक्स बोला है और कहा कि हम इंडिया के संतुलित सैद्धांतिक और स्वतंत्र दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट तब भी न्यूट्रल रहेगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।